हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव डिज़ाइन। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं डिज़ाइनर नेक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये ग्रेस पेपर लिया है, आप बुकरम भी ले सकते हैं। सेंटर से हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमने इसके ऊपर नेक का ड्राफ्ट तैयार करना है। ग्रेस पेपर का नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ बराबर करने के लिए। अब हम जितना भी ब्रॉड नेक होता है हमारा उतने भी निशान लगाएंगे। 2.2 ब्रॉड चाहिए तो मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया है। जितना डीप है सेम उतना ही आपने रखना है, तो मैंने 6 पे निशान लगाया है। इस तरीके से अब मैंने लाइन्स ड्रॉ कर दी है। अब हम शेप देंगे नेक की, ऊपर से गोलाई देंगे। नीचे छोटी सी हम वी बनाएंगे, तो इस तरीके से मैंने शेप दी है। अब इसके आगे हमने इस लाइन के आगे वन एंड हाफ पे निशान लगाएंगे। 1.2 हम चौड़ाई रखेंगे तैयार जो होगी, और 2 पॉइंट जो है वो सिलाई में आएंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी हमने सेम पहले जैसी ही एक लाइन बना देनी है, उसी शेप में हमने लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमने 1.2 पे निशान लगाना है। मैंने ऊपर वाली लाइन के साथ साथ 1.5 का डिफरेंस लिया है ताकि सेम वैसी ही शेप आए। ऊपर से नीचे तक आपको जितनी भी पत्ती लंबी चाहिए उतने पे आपने निशान लगाना है। मैं 9 पे लगा रही हूँ, उसके ऊपर एक और निशान लगाया मैंने 8 पे, 1 इंच के कैप पे। तो इस तरीके से मैंने लाइंस बना दिए 2। अब नीचे तक हमने 1.1 तक एक लाइन लगा देनी है। यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे देनी है हमने ताकि जब हम कपड़ा लगाएं तो उसे फोल्ड आसानी से कर सकें। अब इधर से हमने 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है। नीचे वाली लाइन के ऊपर हमने 3 पे एक निशान लगाया है। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है। अब इस निशान को इधर मिलाना है। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे इस तरीके की शेप देंगे। नीचे वाली लाइन पे भी सेम गुलाई देंगे हल्की सी। तो इस तरीके से हमने डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इन लाइंस को कट कर देंगे। अगर आप एक्स्ट्रा इस साइड से भी सिलाई के लिए ग्रेस पेपर रखना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे कटिंग करेंगे, लेकिन मैं सेम उसी लाइन पे कटिंग करूँगी। अब हम कटिंग करते हैं। इधर से भी हमने कटिंग कर दी है। अब हम सेंटर से इसे अलग कर देते हैं। कपड़े के ऊपर हमने इस तरीके से इसे चिपका लेना है। दूसरी साइड को भी हम सेम इसी तरीके से चिपकाएंगे। अब इसके बाद हमने साथ साथ में कटिंग करनी है। नीचे से हमने 1/2 इंच
छोड़ देना है सिलाई के लिए, और दूसरी साइड से भी छोड़ेंगे क्योंकि हमने ग्रेस पेपर जो है वो एक्स्ट्रा नहीं रखा था। तो इस तरीके से आपने कटिंग करनी है नेक के पास पास, और दूसरी साइड से हाफ इंच छोड़ना है। पाइपिंग ली है ये गोल्डन कपड़े के, हम पोटली बटन बनाएंगे कपड़े के बीच। इस तरीके से हमने रुई रखनी है और धागे को इसके ऊपर हमने लपेट देना है। तो इस तरीके से हमने पोटली बटन बना लेने हैं। आपने इसी तरीके से काफ़ी सारे बटन तैयार कर लेने हैं। अब हम नेक डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हमने इस कपड़े को जो एक्स्ट्रा है उसे ग्रेस पेपर तक फोल्ड कर देना है। इस तरीके से इसके ऊपर आपने निशान लगा लेने हैं ताकि आपको पता चल सके ग्रेस पेपर कहाँ तक है। तो मैंने इस तरीके से निशान लगा दिए। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से करना है हमने। अब हमने इसके ऊपर पोटली बटन लगाने हैं। सिलाई के लिए थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है ऊपर से। उसके बाद इस तरीके से बटन रखना है, दूसरा कपड़ा उसके ऊपर फोल्ड करना है और साथ साथ में हमने सिलाई लगा देनी है। थोड़े थोड़े गैप पे हमने बटन इसी तरीके से लगाते जाना है। मैंने पहले से बटन बना लिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से हमने नीचे तक बटन लगा देने हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने बटन लगाए हैं। तो लास्ट तक आपने बटन लगा लेने हैं। मैंने निशान इसीलिए लगाए थे कपड़े के ऊपर ताकि जिस तरीके से हमने ग्रेस पेपर की कटिंग की थी सेम उसी तरीके से सिलाई के बाद वो शेप बनी रहे। आप देख सकते हैं शेप वैसे की वैसी ही है। अब हम इसे नेक के ऊपर, कुर्ते के नेक के ऊपर फिट करेंगे। सबसे पहले कुर्ते की नेक की कटिंग करेंगे हम। तो इस तरीके से हमने उसे फोल्ड किया है और कुर्ते के नेक के ऊपर रखा है। साथ में हमने इस तरीके से निशान लगाने हैं और आसानी से नेक की कटिंग कर लेनी है। रॉन्ग साइड के ऊपर हमने इस तरीके से इसे रखना है और दो पॉइंट जो एक्स्ट्रा हमने ग्रेस पेपर लिया था उतने पे हमने सिलाई लगानी है। दो पॉइंट ग्रेस पेपर सिलाई में देने के बाद हमारे पास बाकी का ग्रेस पेपर सवा एक इंच रह जाता है। तो इस तरीके से हमने नेक जो है वो फिट कर लेना है। छोटे छोटे नोचेस लगा लेनी है, कट लगा देनी है हमने ताकि आसानी से फोल्ड कर सकें। राइट साइड पे हमने इसे फोल्ड करना है और ऊपर की ओर एक और सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है। हाफ काम हमने कर लिया है। अब हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। अगर आप कोई डोरी लेस लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने इसका सेंटर करना है। अगर आपने प्लीट्स डाले हैं तो प्लीट्स के अकॉर्डिंग आपने अच्छे से एक सेंटर बना देना है। इस तरीके से अब हम कोई नीडल की सहायता से इसे अटैच कर देते हैं। अब हम इस पाइपिंग को इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और साथ साथ में लगाएंगे। ग्रेस पेपर तक आपने कपड़े को फोल्ड कर देना है। इधर से फोल्ड करने में
आसानी हो, इसीलिए हमने छोटे से नोचेस लगा देने हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमने एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से क्यों लिया है। अब हमने ग्रेस पेपर की शेप के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड करना है और साथ साथ में पाइपिंग लगाते जाना है। गुलाई से पाइपिंग लगाते समय आपने थोड़ा सा पाइपिंग को खींच लेना है ताकि इसमें कोई ढील ना रहे। नीचे से हमने हल्की सी गुलाई दी थी तो उस गुलाई के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को फोल्ड करना है। यहाँ से भी हमने पाइपिंग को थोड़ा सा खींचना है। तो इसी तरीके से हमने नेक को अच्छे से लगा देना है। तो इस तरीके से हमने नेक बना लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।